ये है दिल्ली दर्पण। सनातन धर्म को जो भी करीब से देखता है वो उसी का होकर रह जाता है। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ, जहां बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय राम कथा के दौरान जमील निजाम शेख के मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म में घर वापसी की। छत्रपति संभाजी नगर में कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही इसका ऐलान किया कि राम कथा को सुनने और समझने के बाद इस्लाम का पालन करने वाले 10 लोग हिंदू धर्म में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर धाम की कथा के दौरान जिस वक्त मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म में घर वापसी की, लोगों की भारी भीड़ उपस्थित रही। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि वो अगले कुछ दिनों में 10 और परिवारों की घर वापसी करवाएंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जल्द ही फिर से संभाजी नगर में राम कथा वाचन के लिए वापस आएंगे। इस दौरान हिंदू धर्म में घर वापसी कराने के लिए जमील शेख ने बाबा बागेश्वर धाम का धन्यवाद किया। सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद जमील निजाम शेख ने कहा कि वो और उनका परिवार लंबे समय से हिंदू धर्म का पालन करते रहे हैं। जमील का कहना है कि वो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और गणेश उत्सव मना रहे हैं। उसने ये भी कहा कि वो लंबे समय से सनातन धर्म में वापस आना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं मिल रहा था। इस बीच उन्हें पता चला कि शहर में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और बागेश्वर बाबा का राम दरबार लग रहा है। इसके बाद उन्होंने बजरंग दल से इसको लेकर संपर्क किया। बाद में बजरंग दल की मदद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संपर्क किया। इस दौरान किसी के द्वारा किसी तरह का कोई दबाव बनाने के मामले में जमील ने कहा कि उस पर घर वापसी के लिए कोई दबाव नहीं बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।